नमस्कार, मेरा नाम अरुणा भसीन है और आपने क्वेश्चन किया कि बरसात के मौसम में स्किन को कैसे ठीक रखा जाए और क्या क्या प्रॉब्लम होती है। बरसात के मौसम में हमारी स्किन बहुत ही खराब हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है क्योंकि उमस होती है और बरसात के मौसम में बालों का झड़ना भी बहुत बढ़ जाते हैं और स्किन भी बहुत खराब होती है। तो इसलिए हमें अपनी स्किन की केयर के लिए सबसे पहले तो ठंडे पानी से मुंह धोते रहना चाहिए और पानी की भी पीना चाहिए बहुत ज़्यादा, और दिन में कम से कम 5 लीटर पानी तो ज़रूर पीना चाहिए। अगर नहीं पीते तो 2-3 लीटर ज़रूर पिए। पानी की मात्रा बढ़ा दें और मॉइस्चराइजर भी लगाएं चेहरे पर। सबसे पहले सनस्क्रीन लोशन लगाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वो आपकी स्किन को सही रखता है, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हैं, धूप पे जा रहे हैं या वैसे भी बरसात के मौसम में थोड़ा सा कीटाणु वगैरह का ये स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, पिंपल्स निकल जाते हैं, इस सब से हमें बचाता है। और रही बात घरेलू उपचार की, तो आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। घर नुस्खे में क्या क्या आजमा सकते हैं, क्या कुछ? दही लगा सकते हैं आप चेहरे पर, और दही में आप थोड़ा सा हल्दी मिलाइए, एंटीबायोटिक होती है वो हल्दी, आपकी स्किन को अच्छा रखती है। और उसमें गुलाब जल मिला सकते हैं, और थोड़ा सा स्किन ड्राई रखने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी में भी गुलाब जल मिलाकर चेहरे को लगा सकते हैं। ये सारे पैक जो हैं 10-15 मिनट लगाते हैं और फिर ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से आप उसको धो दीजिए। इसे क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ मिलेगा? एक तो आपकी स्किन ठीक रहेगी और दूसरा क्या है कि आपके स्किन पे ग्लो भी आएगा। कोई ऐसा नुस्खा जो तुरंत बहुत ग्लो ला सके चाहिए? बिल्कुल, दही वाला नुस्खा जो है, दही में आप थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला दीजिए और एलोवेरा जेल मिला दीजिए, हो सके तो आप विटामिन सी का कैप्सूल भी मिला दीजिए। उसे मिक्स करके दो तीनों चीज़ों को और आप चेहरे पर लगाइए। 10-15 मिनट लगाने के बाद आप उसे वॉश कर दीजिए नॉर्मल पानी से।